हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप खुद का फैक्ट्री लगाना चाहते हो और अपने सपने साकार करना चाहते हो, एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हो जो प्रतिदिन आपको इजीली जो है 20,000 रुपए जो है प्रॉफिट करके दे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, प्रतिदिन 20,000 रुपीज प्रॉफिट करके देने वाला ये बिजनेस जो है, आपको रोजाना 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। गर्मियों के अंदर बहुत ही चलता है ये बिजनेस, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल वाला और खुद का फैक्ट्री लगाने वाला बिजनेस है। आप खुद की कंपनी के मालिक बन सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट करके आप बाजार के अंदर लॉन्च कर सकते हो, और हो सकता है कि ये ब्रांड जो है नेशनल ब्रांड आपकी बन जाए और इंटरनेशनल भी बन जाए। ये है सोडा बॉटलिंग प्लांट का बिजनेस, यानी कि सोडा की जो बॉटलें होती है, जो पेप्सी, थम्सअप, कोका कोला, स्प्राइट जैसी जो बड़ी कंपनीज जो है, उस टाइप का जो है फ्लेवर आप बना के बाजार के अंदर अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर सकते हो, जिसमें प्रतिदिन एक बोतल के ऊपर आपको 2 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। ये मशीन जो है आपको 3 सोडा के साथ मिलती है, और यहाँ पे 2 सिरप के हेड आते हैं, और यहाँ पे जो है आपको 3 टोटल सिरप के हेड मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक आपका हो जाएगा तैयार। मैंगो, माजा, स्लाइस, फ्रूटी, एप्पी, इस टाइप का नॉन कार्बोनेटेड जो जूस रहता है, जो गर्मियों में बहुत चलता है, जैसे रूह अफ़ज़ा घर में बना के पीते हैं, जैसे हम रसना बना के पीते हैं, उस टाइप से आप अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो है आप लॉन्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें से आपका सोडा बन जाएगा, जैसे जीरा मसाला है, ऑरेंज है, लेमन है, स्प्राइट है, कोका कोला है, इस टाइप का खुद का प्रोडक्ट जो है बना के बाजार में मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक बोतल जो आपको पड़ जाती है दोस्तों 5 रुपए 10 पैसे में, ठीक है। खाली बोतल जो रहता है आपको 3 रुपए में पड़ता है, अंदर का फ्लेवर जो जाता है 1 रुपीज 37 पैसे में आपको गिरता है। CO2 गैस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ के, लेबर जोड़ के, टोटल कॉस्ट लगा के आपको एक बोतल जो है फ्रेंड्स 5 रुपए 10 पैसे में पड़ेगा। ये पूरा जो है बहुत ही स्टेनलेस स्टील के स्ट्रक्चर में 304 ग्रेड में बनी हुई मशीन है, यानी 304 स्टेनलेस स्टील मटेरियल में बना हुआ मशीन है। आप देख सकते हो यहाँ पे 304 लिखा हुआ है दोस्तों। अभी स्टेनलेस स्टील के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद हमारी कंपनी जो है आपको बेस्ट प्राइस के अंदर जो है मशीन प्रोवाइड करके दे रही है। क्वालिटी बहुत ही स्टैंडर्ड होने वाला है। मशीन के अंदर ड्यूअल कंप्रेसर सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी सोडा जो है वो बहुत ही चिल्ड बनेगी। सोडा ठंडा करने का रीजन ये होता है कि सोडा जो है वो स्ट्रांग बने। सोडा स्ट्रांग तभी बन पाता है जो है बराबर गैस और पानी दोनों चीज मिक्स होती है टेम्परेचर पे आके। टेम्परेचर मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, +1 डिग्री सेल्सियस पे, +2 डिग्री सेल्सियस पे, मैक्सिमम +5 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है गैस और पानी का दोनों का मिलन होता है, तभी बनती है एक स्ट्रांग सोडा। और उसके लिए सक्सेस बेहतरीन क्वालिटी के कामयाब तरीके से बनाए हुए इंजीनियर डिजाइन से बनाए हुए कार्बोनेशन टैंक की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कंपनी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ दोस्तों, हमारे दादाजी ने पूरी लाइफ सोडा सेल किया, हमारे पिताजी ने पूरी लाइफ सोडा सेल किया है, और हमने भी सेल किया है। तकरीबन 10 साल तक मैंने सोडा सेल की है, तो हमें एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से जो है एक सोडा अच्छी बन सकती है। अच्छी सोडा बनाने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए, उसमें कितने PSI का गैस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो है गैस भी यूज होता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोला जाता है, CO2। CO2 गैस जो है 1 डिग्री पे पानी होता है तभी उसके साथ मिक्सअप होता है, और उसके लिए उसका कार्बोनेशन टैंक आता है। कार्बोनेशन टैंक के अंदर जब पानी और गैस दोनों एक रफ्तार से अंदर जाएंगे तो अंदर प्रॉपर मिक्स होंगे, और उसमें तभी मिक्स हो पाएंगे जब कार्बोनेट की क्वालिटी एक अच्छी तरीके से बनाई गई हो। मशीन के अंदर सोडा कॉइल भी डाली जाती है, जिसकी वजह से जो है और अच्छी क्वालिटी से सोडा जो है पक जाए, यानी कि हमारा जो बॉटल है वो आपका इजीली जो है दोस्तों 3 महीने तक उसके अंदर स्ट्रांगनेस इससे लॉन्ग टाइम तक बना रहे। स्ट्रांगनेस तभी बनी रहेगी जब आपकी क्वालिटी कार्बोनेशन टैंक की अच्छी होगी, यानी आपकी मशीन कामयाब होगी दोस्तों। ऐसी दिखने वाली मशीन आप बाहर से तो दिख जाएगी, लेकिन अंदर की जो क्वालिटी है, अंदर का जो इंजन है मशीन का, वो है कार्बोनेशन टैंक है, कॉम्प्रेशर है, कंडेंसर है, फैन मोटर है, अंदर डाली हुई जो है कॉपर पाइप्स है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है बर्फ अंदर मेकिंग होता है। आइस ज़्यादा मेकिंग होगी तो पानी ज़्यादा चिल्ड होगा, पानी ज़्यादा चिल्ड होगा तो सोडा की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अच्छी क्वालिटी की अगर आप मशीन लेना चाहते हो, ऐसे 304 में बनी हुई, 2-2 कैपिंग मोटर लगी हुई है, मशीन का वायरिंग का फिनिशिंग हमारा बहुत अच्छा है। गौर कीजिए जरा पैनल के ऊपर, अपनी जो मशीन की पैनल है फ्रेंड्स उसके ऊपर आप गौर करें, ये जो है पैनल है उसके ऊपर आप गौर करें कि मशीन की पैनल जो है कंपनी ने कितनी अच्छी बनाई हुई है। इसके अंदर सेल्जर कंपनी की स्विचेस इस्तेमाल की गई है, उनकी क्वालिटी के जो है बिल क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनी हुई रहती है। हर एक छोटी छोटी चीज को कंपनी ने अच्छी तरीके से जो है फिनिशिंग के साथ मेकिंग किया गया है।
अगर हम सब जीरो डिजिटल ऑपरेटिंग कटआउट सिस्टम की बात करें तो सब जीरो डिजिटल ऑपरेटिंग कटआउट सिस्टम जो आपकी मशीन का जो है वो जब जीरो डिग्री हो जाएगा तब ऑटो कटआउट कर देगा, प्लस डिग्री में आएगा तब ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। अगर हम इसकी टच स्क्रीन की बात करते हैं तो देख सकते हैं बड़ा टच स्क्रीन मशीन के अंदर लगा हुआ है। जैसे इसको हम टच करते हैं देखिए यहाँ पे पूरी जो डिटेल्स लिखी हुई आ जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पर जो है सिरप वाटर वाटर सोडा 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 थ्री सिरप टू सिरप थ्री सारी चीजें लिखी हुई है, कितने ml में लिखी हुई है, सारी डिटेल्स जानकारी यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। ये देख सकते हो आप यहाँ पर SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एड्रेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, मशीन के अंदर हैवी ड्यूटी क्वालिटी के व्हील्स दिए हुए हैं ताकि मशीन को जो इजीली मूवमेंट किया जा सके। फ्रेंड्स, इस मशीन को जो है कहीं पर भी जो है जैसे कि आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना है, मूविंग करना है तो आप कर सकते हैं। साफ सफाई के लिए किसी भी कारण सर तो आप उसको फिराना चाहेंगे तो आपको कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के कारीगर को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही मशीन में सारी चीजें आ जाती है। इसी के अंदर कार्बोनेशन टैंक भी लगे हुए हैं, इसी मशीन के अंदर जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम भी लगा हुआ है। मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रति हावर 900 बोटलों की है सर। ठीक है, यानी एक दिन के अंदर 9000 बोटल बना के दे देगी, 9000 बोटल पर डे। और यहाँ पर जो है आपका जो है वो फिल हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स तकरीबन आप जो है 12000 फिल कर सकते हैं। 21000 बोतल का प्रतिदिन प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जी हाँ दोस्तों, 21000 बोतल पर डे कैपेसिटी। मशीन के साइड लुक भी आप देख सकते हैं कितना अच्छी फिनिशिंग से जो है मशीन को मैकिंग किया गया है। SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अपनी मशीनों को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से बेहतरीन ढंग से जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत समस्या ना आए। देखिए ये वायरिंग का जो फिनिशिंग है आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन फिनिशिंग जो है वायरिंग किया गया है। यानी हमारी जो कंपनी है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी से जिससे हम मशीन को डेवलप करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, मशीन की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी बनाते हैं हम, इस वजह से बनाते हैं कि हमारी कंपनी के पास मशीनरी से इसको बनाने के लिए। हमारी कंपनी जो है एक बेहतरीन क्वालिटी की हाइड्रोलिक मशीनरी से जो है मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करती है। हमारे पास जो है अच्छी क्वालिटी की इक्विपमेंट्स है जिससे हम मशीन को मैकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, मशीन की फिनिशिंग अच्छी आती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनती है ताकि लॉन्ग लास्टिंग मशीन बन पाए। आप जो इस मशीन को इजीली जो है 10-15 सालों तक जो है इजीली चला लोगे। अब रही मशीन को खरीदने की बात, तो दोस्तों इस मशीन को आप बुकिंग करवा सकते हो SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉल करके, और आपको ये मशीन जो आपके नज़दीक के ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी। फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट से जो है मशीन कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है हमारी कंपनी के टेक्नीशियन आएंगे और आपकी मशीन को जो है वहाँ पर आके ही इंस्टॉल कर देंगे। वहाँ पर आपकी मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। केसेस फ्लेवर बनाना है, किस तरीके से सोडा को बना के पैक करना है, बल्क पैकिंग बनाना है, बल्क पैकिंग बना के मार्केट के अंदर कैसे सप्लाई करना है, उसकी पूरी जानकारी जो है हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपको दे देंगे। मशीन जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेटिंग हो जाएगी। अगर इसमें छोटी मोटी समस्या आती है तो उसको कैसे हैंडलिंग करना है दोस्तों, वो भी आपको सिखाया समझाया जाएगा। मशीन के साथ आपको टूल किट और स्पेयर पार्ट्स किट प्रोवाइड की जाती है जिसकी मदद से आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हो। एक कंप्लेंट नंबर भी आपको दिया जाता है जिसके ऊपर कॉल करके आपकी छोटी मोटी समस्याओं को आप जो है सॉल्व करवा सकते हो। दोस्तों, इस मशीन में बड़ी कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं लगा हुआ है, ना ऑयल डालना रहता है इस मशीन में, तो इसका जो मेंटेनेंस है बहुत ही कम है। एवरी डे ओनली फॉर 30 रुपीज आपको सेविंग करना है इतनी बड़ी मशीन के लिए केवल। और उसमें हमारी कंपनी जो है आपको ऐसा बताती है कि हमने बताया अगर तरीके पर आप मशीन को ऑपरेटिंग करेंगे तो 30 रुपीज आपका बचेगा, आपको इसके अंदर जो है वो ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एवरी मंथ इसको मशीन को क्लीनिंग करना पड़ता है, ये इसका मेंटेनेंस है कि इसके अंदर जो लगे हुए कंडेंसर है उसमें ब्लोअर लगा के मशीन की क्लीनिंग की जाती है। वो आपको क्लीनिंग जो है हमारे टेक्नीशियन जब आएंगे आपकी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए तब आपको पूरा समझा के जाएंगे कि किस तरीके से इसको क्लीनिंग करना है। दोस्तों, ये मशीन जो है इसकी कीमत जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगी, तो आप वहां पर जाके कीमत देख सकते हो और मशीन खरीदने के लिए नीचे दिखाए गए नंबर पर कॉल करके अपनी मशीन बुक करा सकते हो। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जो है सारे नंबर जितने भी दिए हुए हैं 10-10 नंबर व्हाट्सएप पे ऑन है, तो आप व्हाट्सएप करके मशीन की डिटेल्स और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।